हर साल सावन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऐसे में राखी के त्योहार को लेकर खासकर बहनों द्वारा तमाम तैयारियां शुरू कर दी जाती है, जिससे बाजारों में भी खूब रौनक देखने को मिलती है। साथ ही रक्षाबंधन की बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। भद्राकाल खत्म होने के बाद शुभ मुहूर्त दोपहर 1:32 से रात 9 बजे तक राखी बांधी गई। राखी का त्योहार भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधकर उससे अपनी सुरक्षा का वचन लेती है। राखी के त्योहार के दिन अगर भाई बहन से दूर भी होता है तो वह अपनी राखी ढेर सारे प्यार के साथ उसके पास भेजती है। बैठमा में भी बाजार में रक्षाबंधन पर्व की रौनक दिखाई दी। नगर में खासकर राखी, मिठाई व कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं व बहनों की खास भीड़ देखने को मिली, जहां बहनें अपनी पसंद की राखियां खरीदते नजर आई। हालांकि रविवार के मुकाबले सोमवार को बाजार में थोड़ी कम भीड़ दिखी, पर लगभग हर दुकानों पर ग्राहक नजर जरूर आए। वहीं भद्रा खत्म होने के बाद शुभ मुहूर्त में बहनों द्वारा अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी गई। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज भाई बहन का पवित्र बंधन रक्षाबंधन के पर्व पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में सभी मिठाइयों की दुकान एवं राखी की दुकान, नारियल, गोले, हार फूल सभी की अच्छी से बिक्री हो रही है और सभी प्रकार की रश है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। मैं सभी भाई बहन को आसपास के ग्रामीण एरिया या बेटमा के को बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।